गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन कर लो सब। यस वीडियो ऑन कर लो। ओके चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस? एनसीईआरटी में अब खत्म हो गया था क्या कंस्ट्रक्शंस? यस सर। यस सो इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने इससे फोर्थ क्वेश्चन बताया था लास्ट एक्सरसाइज 11.2 का, इसके बाद कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो फाइव शीट डिस्कस करते हैं। यस डाउट्स पूछो। सर क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री सर मतलब उसको तीन रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे? दो में तो करना आता है, तो थर्ड वाला कैसे होगा? अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट समझ, अगर आ गया समझ में तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? कितना है लाइन सेगमेंट का लेंथ? 13.5 थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर्स। नाउ मुझे इसको इंटरनली इन द रेशियो 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगेन वी मेक सिंपल, एक रे बनाई मैंने अक्यूट एट एन अक्यूट एंगल। नाउ 2:3:4 के रेशियो में तो मैं 2+3+4 मतलब 5 नंबर ऑफ डिविजन करूंगा सब इक्वल। सो 9 नंबर ऑफ डिविजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ऑफ डिविजन ऑल इक्वल डिविजन। A1 to 8, 9 मैंने इनको मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे को 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो पहले मैं इसको बीस को A9 से ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, ठीक है। फिर अब मैं कहीं से भी पहले बना सकता हूँ। A2 पे मैंने अगर बना दिया पहले, A2 पे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी मैंने यहाँ पे A2 पे लाइक दिस, क्या ये दिख रहा है मान्या? ठीक है yes, तो अभी ये वाला पॉइंट सपोज पी हो गया, तो एपी अपॉन एबी कौन से रेशियो में है? 2:9 के रेशियो में, करेक्ट। सो एपी अपॉन पीबी कौन से रेशियो में है? 2:7 के रेशियो में, ठीक है। अब ये वाला लाइन सेगमेंट है, ठीक है। नाउ इसमें अब मैंने कौन सा रेशियो चाहिए? 3। A2 पे तो ये लाइन सेगमेंट बना, ये लाइन बनाई इसके पैरेलल, देन A3, A4, A5, A5 पे आई विल मेक अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन लाइक दिस, और ये पॉइंट क्यों ले लिया मैंने? नाउ AP अपॉन AQ कौन सा रेशियो हुआ? 2:3 2:3 नहीं, AP अपॉन AQ पूछ रहा हूं मैं अभी। 2:5 2:5
और AP upon PQ is the ratio 2:3, yes or no? Yes sir. हाँ, तो अभी कौन से रेशियो में हो गया? 2:3:4. So ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है. Okay sir, thank you. आगे ना समझ में. So basically अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो रेशियो ले रहे हैं उसके रेशियो में बस लाइन पैरेलल बनाने, सो दैट इस लाइन सेगमेंट पे भी दे विल डिवाइड इट इन द सेम रेशियो यूजिंग डीपीटी. सर. हाँ सर, आपकी वॉइस एकदम ब्रेक हो रही है और आपकी वीडियो नहीं चल रही है. यार तुम लोगों का मुझे लग रहा है कि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि और किसी क्लास में तो मुझे प्रॉब्लम आती नहीं है. ऐसा कुछ ऐसा थोड़ी है कि 3 बजे ही प्रॉब्लम आएगी, मुझे 4 बजे प्रॉब्लम नहीं आएगी. या तो अपना इंटरनेट चेक करवाओ या कुछ और ढूंढो कुछ सोल्यूशन उसके लिए. हर बार क्लास में प्रॉब्लम आती है और बाद में जब मैं क्लास लेता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करो कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा ऐसा मुझे लगता है. बताओ अब सही आ रही है क्या आवाज या नहीं आ रही है, मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? सर मुझे तो ठीक आ रही है. प्रखर. हाँ सर सही आ रही है. नील अब बता क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है क्या? सर अभी थोड़ी सही है. तो तेरा कुछ चेक कर यार, मेरे को पता नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है, या तो डिवाइस में प्रॉब्लम है. मेरे यहाँ पे तो एकदम फुल आ रहा है. तो आई डोंट नो फिर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता तो फिर वो सारी क्लास में होता या तो या सबको होता. ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है कि 10th की क्लास में प्रॉब्लम होनी चाहिए इंटरनेट की. थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई करके देख कुछ कर सकता है क्या, ट्वीक कर सकता है क्या कुछ चीज जिससे अच्छा हो जाए. अभी यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया, A A2 AP, ये वाला जो है A A2, this is upon A2 A5 upon A5 A9 is in the ratio 2:3:4. तो यहाँ पे भी 2:3:4 के रेशियो में आ जाएगा. BPD से अपन इसको निकाल सकते हैं. सो कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन किए, फिर पैरेलल लाइंस बना दी, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी लाइंस बिकॉज दे आर पैरेलल. तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें पैरेलल लाइन बन रही है बेस के, तो दे विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आगे बताओ सर. 8th question. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी whose perimeter is 10.5 cm and base angle are 60 and 45. Construct another triangle whose sides are 4/3 of the corresponding side of the triangle ABC. Ab ye question 9th ka question ho gaya hai, first part. Second part similar triangle banane ka question 10th ka question ho gaya hai. Ab I am sure ki tumko 9th ka kuch yaad hoga nahi. Jab perimeter given hai aur do angles given hai base ke, to triangle apan bana sakte hain. किसी को मालूम है क्या कैसे बनाते हैं? When the perimeter is given and two angles are given. सब perimeter जितनी लाइन बनाते हैं, थोड़ा ये याद है. बस perimeter जितनी लाइन बनाते हैं, खत्म. सब फिर दोनों साइड पे उसके एंगल्स बनाते हैं और उनको बाइसेक्ट करके फिर लाइंस बनाते हैं. फिर बस अब खत्म हो गया. ऐसा आधा अधूरा ध्यान रहेगा क्या बस? फिर क्या करते हैं? अटक गए अब, खत्म क्वेश्चन, नहीं हो रहा आगे प्रोसीड. फिर जुगाड़ लगाने लग जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो बन जाएगा. ऐसा करूंगे मैं सर, ऐसे पूरा याद नहीं आ रहा है. तो ये याद आना चाहिए ना, देखो थोड़ा सा तो याद है कम से कम, और दूसरे को तो वो भी याद नहीं है, पर थोड़ा सा याद रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है. हाफ नॉलेज हो गई फिर वो.
अभी ये ध्यान से देखोगे इसको कैसे बनाना है. ट्राइंगल व्हेन पेरिमीटर इज गिवन एंड टू साइड्स आर गिवन, तो ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी मेक अ लाइन इक्वल टू द पेरिमीटर ऑफ द ट्राइंगल. सो एक्स वाई मैंने बनाया लाइन सेगमेंट सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू पेरिमीटर इज 10.5. सो दिस इज 10.5 सेंटीमीटर्स एक्स वाई पेरिमीटर के इक्वल. नाउ एंगल्स गिवन है 60 एंड 45, तो यहाँ पे एक्स पे मैंने 60 डिग्री बनाना है, मुझे 60 डिग्री बनाना है, और वाई पे 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. यहाँ पे 45 वहां पे 60 भी बना सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही बनेगा 60. तो यहाँ पे 60 डिग्री बनाया, लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ पे 60, यहाँ पे 45 डिग्री बनाया, याद है ना सबको कैसे 45 डिग्री बनाना है. एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो सर. ये वाला एंगल 45 बन गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री बन गया, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले इनका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे इन एंगल्स का. तो 60 का एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने, विच इज 30 डिग्री. यहाँ पे 45 का एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा लाइक दिस, और इन लाइंस को एक्सटेंड करके wherever they intersect, this point will be C, like this. दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? पहले यहाँ पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, वहां पे 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, दोनों का एंगल बाइसेक्टर लिया. एंगल बाइसेक्टर लेके जहां पे लाइंस विल इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज पॉइंट सी. नाउ XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान होना चाहिए, ऊपर दो आर्क नीचे दो आर्क ज्वाइन कर देंगे जहां पे भी कट करेगा. देन दिस पॉइंट इज ए. YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये जहां पे एक्स वाई को इंटरसेक्ट करेगा दैट इज पॉइंट बी. देन ए सी बी जो ट्राइंगल बनेगा दैट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. जस्टिफिकेशन कोई कर सकता है क्या ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हो. तो देखो एक्स वाई इज द पेरीमीटर, तो जो अपना ट्राइंगल बनना चाहिए उसका पेरीमीटर भी 10.5 ही आना चाहिए. तो पहले मैंने एक्स वाई बनाया विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर, देन 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, दोनों एंगल कंस्ट्रक्ट किए, उनका एंगल बाइसेक्टर लिया, फिर एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, दोनों जहां पे एक्स वाई को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स ए एंड बी हो जाएंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे. Then triangle ABC is the required triangle. अब देखो इस triangle के लिए ABC, ठीक है? In this triangle, this angle will be 60 degree and this angle will be 45 degree. Why? क्योंकि यहाँ पे ये वाला angle 30 degree था, तो ये वाला angle भी 30 degree हो जाएगा. Because अब ये इसके पीछे reason, ये वाला angle 30 degree होगा, ये वाला भी angle 30 degree होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ए पॉइंट जो है दिस पॉइंट इट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XC. XC लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है पॉइंट ए. सो ए पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड सी. यस और नो? एक्स इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्स एंड सी. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, anyone? मैंने बताया हुआ है ये लाइन सेगमेंट है
उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो कोई भी पॉइंट ले ले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स. क्या कर रहे हो तुम लोग, सारे पहले वाली चीजें भूल ही जाते हो एकदम यार, एकदम ऐसा लगता है नए नए बच्चों को पढ़ा रहा हूं एकदम. ये पॉइंट से पी हो गया, दिस इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो पी विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी. क्यों? बिकॉज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दिस साइड इज कॉमन, दिस साइड इज इक्वल, सो ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो ए विल बी, ए एक्स विल बी इक्वल टू ए सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. सिमिलरली इस ट्राइंगल यहाँ पे बी विल बी, बी वाई विल बी इक्वल टू बी सी, बिकॉज बी इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई सी. अरे क्या समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. या नहीं आ रहा है कुछ रिस्पॉन्स तो दिया करो, हाँ ना, कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं हो, बस चुपचाप बैठे रहते हो. अब ए पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो आइसोसेलिस ट्राइंगल बन गया एक्स ए सी. आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो ये वाले एंगल्स दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल. हाँ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. हाँ थोड़ा सा तेज बोल सकती है यार, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. करेक्ट, तो ये 30 है, ये 30 है, सो दिस एंगल विल बी 60, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली ये वाला एंगल बाइसेक्टर है 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्रीज. सिमिलरली ये भी 22.5 डिग्रीज हो गया, तो उसका सम, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू दिस एंगल व्हिच इज द एक्सटीरियर एंगल, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, सो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये वाला एंगल 60 हो गया, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, विच इज वॉट वी वॉन्ट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ए बी सी का शुड बी इक्वल टू द पेरीमीटर गिवन, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि एक्स वाई अपन ने पेरीमीटर के इक्वल बनाया था. सो एक्स ए इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू वाई बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी. तो अगर मैं एक्स ए प्लस ए बी प्लस बी वाई निकालू, दिस इज इक्वल टू 10.5. एक्स ए की जगह मैं ए सी लिख सकता हूं एंड बी वाई की जगह आई कैन राइट बी सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10.5 एंड दिस इज द पेरीमीटर. सो सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to 10.5, which is the required perimeter. So, ये वाला triangle जो बन रहा है, this is satisfying all the given information. So, ये triangle अभी अपन ने construct किया है. इसका similar, इसके similar एक triangle construct करना है अब मुझे. आगे क्या समझ में? Yes, sir. अच्छा, आलिया तूने join कर लिया क्या? इतना लेट क्यों आज? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था. ठीक है, ओके, चलो नाउ अब इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, इसके सिमिलर. सो यहां पे ए पे मैं ऐसे एक रे बनाऊंगा एट एन अक्यूट एंगल. अब मुझे कोई स्टेप्स बता सकता है कैसे बनाएंगे ट्रायंगल सिमिलर टू दिस इन द रेशियो 4:3? यस, एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो.
चलो यस लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ कोई बता सकता है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? सर मैं बताऊं? हाँ सर, फोर इक्वल रेशियोज में अपन डिवाइड कर देंगे लाइन। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अपन एक लाइन बनाएंगे थर्ड ए। तूने क्या बोला, एक मिनट, फोर इक्वल व्हाट? फोर इक्वल डिवीजन देंगे लाइन में। तूने क्या बोला था पहले, रेशियो? रेशियो बोला था ना? यस सर। तो रेशियो क्या होता है भाई, फोर इक्वल रेशियोज में? मतलब सही से तो वर्ड्स यूज कर, फोर इक्वल डिविजन्स में। हाँ फिर उसमें से थर्ड डिवीजन के साथ अपन डी वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। हाँ और फिर वहां से अपन एक पैरेलल लाइन बनाएंगे ए फोर से। किस पे? ए फोर से पैरेलल लाइन बनाएंगे ए थ्री। हाँ ए फोर से, करेक्ट, सही है। फिर उसके बाद में पैरेलल लाइन बनाने के बाद ऊपर की साइड अपन वापस से जो बी पॉइंट से लाइन बनाई है उसको ज्वाइन कर देंगे सी से, और उसके पैरेलल लाइन बनाएंगे नए वाले ट्रायंगल की। ऐसे बोलना कि वो जो पॉइंट आएगा जहां पे ए बी एक्सटेंडेड को कट करेगा, वहां से वी विल मेक अ लाइन पैरेलल टू बी सी। यस, फिर वो बी सी जहां पे ए सी एक्सटेंडेड को कट करेगा, दैट पॉइंट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द न्यू ट्रायंगल। करेक्ट। सो ये सबको आ जाना चाहिए अभी तक, एकदम सही बताया। एक दो तीन चार डिविजन्स में अपन बनाएंगे, चार डिविजन्स बनाएंगे ऑल इक्वल टू ईच अदर, से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, क्योंकि नया ट्राइंगल बड़ा बनेगा। सो मैं बी को ए थ्री से ज्वाइन करूंगा, ए थ्री पे जो एंगल बनेगा उसके इक्वल ए फोर पे एंगल बनाएंगे, मीनिंग वी विल मेक अ लाइन पैरेलल टू ए थ्री बी, इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी extended at B dash, then point B dash say we'll make a line parallel to BC like this, let this intersect on AC extended at point C dash, then AB dash C dash is the required triangle. Yes, कोई doubt है क्या इसमें, समझ में आ गया? प्रखर? Yes, sir. अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो हाँ या ना रिप्लाई तो किया कर कुछ तो। चलो आगे बताओ। Tenth. Constructed circle with radius equal to 3 cm. Draw two tangents to it inclined. क्या कर रहा है ये? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने लास्ट क्लास में देखो डिस्कस किया था, तो फोर्थ क्वेश्चन सर एक बार वापस बता दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सॉरी टैंजेंट्स के एंगल्स आ नहीं रहा मुझे भी यार। तो वापस वीडियो नहीं देख सकते क्या, जब मैं वीडियो भेजता भी हूँ तो? सेम चीज अपन ने लास्ट क्लास डिस्कस तो करी थी, लास्ट में मैंने यही क्वेश्चन लिया था एकदम सेम। मान्या? तो सर एक बार वीडियो देख लूंगी, अगर फिर नहीं आया तो फिर कल पूछ लूंगी। हाँ तो फिर अवेलेबल है तो क्यों नहीं देख रही है, एकदम सेम ही तो क्वेश्चन है। क्लास का टाइम क्यों अपन उसमें वापस वेस्ट करें, जब है अपने पास अवेलेबल दूसरी तरीके की तो। ओके सर। आदि? आदि? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो समझ ही नहीं आया, मैं वापस वीडियो देख लूंगा। तो तूने लास्ट क्लास में देखा नहीं था क्या कि क्या किया था मैंने, सुना नहीं था क्या? पूरा पता चल जाता है कितना फोकस होता है क्लास में, नहीं होता है कुछ काम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। आगे पूछो, देख लेना लास्ट क्लास का वीडियो, उसी में है लास्ट में सेम ही क्वेश्चन वापस यार। आगे पूछो।
यस, टेंथ के आगे नहीं है क्या क्वेश्चंस? नहीं है, खत्म करें, किया ही नहीं होगा आई एम श्योर। 10 क्वेश्चन कर लेते, ऐसे समझते हो जैसे पता नहीं क्या कर लिया। क्या 13th क्वेश्चन? तो तू क्या कल पूछेगा क्या? सर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। कौन सा क्वेश्चन है? 13 Draw line segment AB of length 10 cm, taking A as center, draw a circle of radius 5 cm and taking B as center, draw a circle of radius 3 cm, construct tangents to each circle from the center of the other circle. इसमें कुछ ऐसा tricky part नहीं है, simple सा question है। बस थोड़ा सा different type का है। A line segment AB of length 10 cm. Take A as center, draw a circle of radius 5 cm. अब AB is of 10 cm. तो A पे अगर मैंने circle बनाया तो वो mid point से pass करेगा AB के, because that is 5 cm का radius. Then draw a circle of radius 3 cm at point B. ये अपन ने बनाया। Construct tangents to each circle from the center of the other circle. तो ये तो सेम ही बात है। ये पॉइंट को मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, B पे मुझे सर्कल बनाने, वो tangents बनाने, एंड B को मैंने सेंटर ले लिया, फिर इस सर्कल पे मेरे को टेंजेंट्स बनाने हैं। तो पहले इस वाले पे देख लेते हैं, इस सर्कल पे टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। सो अगेन सेम चीज रिपीट करनी है, ए बी इज द पॉइंट जॉइन, इज द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे पहले। सो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मिड पॉइंट से पास करेगा वो, इस पॉइंट से पास करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से पास क्यों करेगा? सर्कल को टच करेगा ये। यस, समझ में आया क्या? इट विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कल। व्हाई? क्योंकि ए पॉइंट पे मैंने 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया है। ए बी इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, सो ए, लेट दिस पॉइंट बी एम। AM will be 5 cm, M midpoint हो गया, AM is the radius of this circle, perpendicular bisector बनाऊंगा तो वो AB के perpendicular होगा, so ये perpendicular है, ये वाला जो line बन रहा है perpendicular bisector, it is perpendicular to this radius and it is passing through the point M, so it is a tangent. Yes sir. सो अब यहाँ पे ये तो टेंजेंट्स अपने काम का नहीं है वैसे। नाउ एम मिड पॉइंट आ गया अपने पास ए बी का। अब एम को सेंटर लेके, एम बी को रेडियस लेके, वी विल मेक अ सर्कल। ये ऐसा सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। नाउ विद दिस सर्कल, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स, इसको मैं ले लेता हूं, Q1 एंड Q2। देन A और Q1 को मैंने ज्वाइन कर दिया, A और Q2 को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये टेंजेंट्स बन गए from the point A on the circle with center B. Yes, ठीक है। ये वाली जो मैंने चीज बताई है, this is just trivial. ये अपने काम की नहीं है यहाँ पे कुछ। ये बस ऐसे ही बता दिया मैंने, because this is happening here. Then ये वाला circle,
जो बनाया है अपन ने पॉइंट एम को मिड सेंटर रख के, ये वाला जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा सर्कल विद सेंटर ए, इन पॉइंट्स को पी वन और पी टू ले लेते हैं। पी वन को मैंने बी से ज्वाइन किया तो ये एक टेंजेंट बन गई, पी टू को मैंने बी से ज्वाइन किया तो ये दूसरी टेंजेंट बन गई। ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा बन गया, इसको समझ लेना है। रफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बनाने में, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये सर्कल ऐसा बनेगा, दिस इज पॉइंट पी टू। क्या ही समझ में आया प्रकर? यस सर, समझ में आ गया क्या? ये एम जो ये वाला जो सर्कल बन रहा है ये दोनों सर्कल्स के लिए सेम ही बनेगा। मैं पॉइंट बी से सेंटर ए वाले सर्कल पे अगर टेंजेंट्स बनाऊं तो उसके लिए भी एम पॉइंट पे ही मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। फिर ये वाले जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इस सर्कल को वो वाले पी वन एंड पी टू हो जाएंगे, उसके लिए क्यू वन और क्यू टू हो जाएंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे तो दोज विल बी द टेंजेंट्स, करेक्ट? चलो आगे बताओ। खत्म हो गई क्या? सर 15th क्वेश्चन। 15 फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, आज तो क्या बात है, काम कर रहा है आजकल, अच्छी बात है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ यूजिंग, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ using the center. Achha, with using the center. Okay. ये वाला out of the syllabus हो गया थोड़ा सा question, but I think कि तुम लोग बना सकते हो इसलिए मैंने दिया है। Tangent from a point on the circle. ये अपने पास सर्कल है with center O, कोई भी सेंटर ले लेते हैं। पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल रेडियस इज 4 सेंटीमीटर्स, तो पॉइंट पी से मुझे पास, पॉइंट पी से पास होने वाली टेंजेंट बनानी है यूजिंग द सेंटर, ठीक है? यूजिंग द सेंटर मतलब ये अपन को यूज कर सकते हैं अपन रेडियस। सो रेडियस अगर मुझे यूज करना है 90 डिग्री बना दूंगा मैं तो ये टेंजेंट बन जाएगी, तो यहां पे अपन 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, देन दिस लाइन इज द टेंजेंट। बस यही है क्वेश्चन, क्या समझ में आ गया? प्रखर? हाँ सर। रेडियस पे 90 डिग्री बना देंगे तो वो लाइन टेंजेंट हो जाएगी ना? यस सर। बस यही बनाना था, वी हैव टू मेक द टेंजेंट टू द सर्कल यूजिंग द सेंटर। ये अपन ने अभी सेंटर को यूज किया है, रेडियस को यूज में लिया है अपन ने। अनदर वे वुड बी सम डिफरेंट वे जहां पे जो अपने अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। आगे यस हो गया क्या खत्म?
प्रखर सर जो 19th को है वो ऊपर वाले की तरह ही होगा ना। ऊपर वाला क्या मतलब, कौन सा ऊपर वाला? 18th किधर है? नहीं एक सिक्स वाला 19 6 की तरह होगा ना। ए बी इज इक्वल टू 6.5, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 5.5। Sixth question में क्या है? Draw a right triangle in which the sides are of length 5 and 12. Then construct another triangle whose sides are this, the corresponding sides of the given triangle. हाँ, same ही तरीके का है। इसमें 90 degree है angle sixth वाले में और 19th वाले में angle 60 degree है। बस इतना सा difference है। ठीक है सर। ठीक है, आगे बता। सर लास्ट वाला क्वेश्चन 24th कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60, एंगल सी इज इक्वल टू 45, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल। इसमें कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? सेकंड वाला पार्ट समझ में आएगा क्या? मतलब अगर ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी तो उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल तो बना सकता है ना। हाँ सर। तो फर्स्ट पार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, करेक्ट? यस सर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए एक्चुअली में। अगर तू बना के देखता तो ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल। बीसी अपने पास गिवन है, बीसी इज 8 सेंटीमीटर, this is 8 centimeter, then angle B is equal to 60 degree, तो यहाँ पे 60 degree बना देंगे, ये 60 degree बन गया, angle C is equal to 45 degree, तो यहाँ पे 45 degree बना देंगे, बना नहीं रहा हूँ अभी, बना देना, और ये जहाँ पे intersect करेंगी lines वो वाला point A आ जाएगा, then this is the required triangle. बस इतना सा बनाना है, ये वाला रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा एंड देन यू हैव टू मेक द सिमिलर ट्रायंगल। आगे क्या समझ में? हाँ यस, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके देखना, अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस पूछना है। यस सर। ठीक है, आगे बता। बस खत्म हो गए ना सब क्वेश्चंस? और किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो आज फिर अपन, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज इट इज वेरी सिंपल कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में क्या कर रहे हैं, विच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो बेसिकली 9th में अपन ने जो पढ़े हैं फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो ही यहाँ पे 10th में रिपीट होंगे, बट द difference here is that we'll be using a combination of solids. So combination of solids is simple. जैसे ये मैंने बनाया एक कार्डबोर्ड, सॉरी एक सिलेंडर, एक सिलेंडर मैंने बनाया, तो इसके अपन को सर्फेस एरिया और वॉल्यूम सब पता है, क्या होता है कोई बता सकता है? टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, किसी को याद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर? सर 2πr h plus r। क्या? 2πr into h plus r। 2πr into h plus r। अच्छा, कैसे आया? सर 2πr h plus 2πr square। वापस बोल। 2πrh plus 2πr square। हाँ, तो ये क्या चीजें हैं? 2πrh plus 2πr square। What are these? Sir, 2πr square is the area of the circle। Sorry, वापस बोलना। Sir, 2πr square is the area of the circle।
Which circle? The top and the bottom. ऐसे बोल, area of top and bottom. और 2 pi r h क्या चीज है? आदि, 2 pi r h क्या चीज है? Yes, कोई बता सकता है 2 pi r h क्या है यहाँ पे? So, perimeter and height. क्या? Perimeter and height. पेरीमीटर एंड हाइट क्या मतलब हुआ इसका? 2 पाई आर एच मैं लिख रहा हूँ तो तू इसको ऐसे बोलेगी पेरीमीटर एंड हाइट है ये? हैं ऐसे लिख देंगे क्या मैं? दिस मींस दैट दिस इज पेरीमीटर एंड हाइट. व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब हुआ भाई? किसका पेरीमीटर है, क्या हाइट है, पेरीमीटर एंड हाइट से क्या मतलब आ रहा है? अरे 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया जो है सिलेंडर का, जो कर्व्ड एरिया है उसका एरिया इज 2 पाई आर एच. पता नहीं क्या पढ़ते हो यार. पेरीमीटर एंड हाइट, बहुत ही बढ़िया. ये सिलेंडर है और इसके ऊपर मैंने ऐसे कोन लग दिया, कोन रख दिया, ठीक है. नाउ ये वाला जो इसका टॉप है सिलेंडर का, दिस इज कवर्ड बाय द कोन. तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सॉलिड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम का सरफेस एरिया विच इज द एरिया ऑफ द बॉटम सर्कल. तो यहाँ पे ये जो टॉप ऑफ द सिलेंडर वाला जो एरिया था पाई आर स्क्वायर, वो हम हटा देंगे क्योंकि वो अब कर्व्स टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा. इट इज कवर्ड बाय द कोन. सो नाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि अगर मैंने कोन ऐसे ऊपर रख दिया तो टोटल सरफेस एरिया अब क्या हो जाएगा. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. सिंपल, ये अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज दिख रही है, कौन सी चीज नहीं दिख रही है, एंड टोटल सर्फेस एरिया में क्या अकाउंट होगा, वॉल्यूम में क्या होगा चेंज. दैट इज ऑल दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट नाउ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो टॉप ऑफ द सिलेंडर था ये ढक गया तो ये काउंट नहीं करेंगे अपन. नाउ वी विल जस्ट काउंट द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द कोन प्लस द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द बॉटम एरिया ऑफ द सिलेंडर टू गेट द टोटल सर्फेस एरिया. दिस टूगेदर इज द टोटल सर्फेस एरिया of this shape. अगर मैं सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम लूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. हाँ, पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. अब मैंने उसके ऊपर एक कोन भी रख दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अच्छा पहले ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हाँ करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज करेक्ट. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो अब यहां पे मैंने कोन को सिलेंडर के ऊपर रख दिया तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप विल बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. कॉमन सेंस है, ठीक है, सिंपल सी बात है. सो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ दिस. यहां पे एडिशन ये हो जाएगा, यहां पे ये दोनों एडिशन हो जाएंगे एंड दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम. सो This is as simple as that. ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर में अपन शुरू में बेसिकली यही कर रहे हैं. Then we will go to a bit more complex questions, जहां पे थोड़ा सा difficulty level बढ़ जाता है. तो
पहले मैं नाइन्थ के क्वेश्चंस रिवाइज सॉरी नाइन्थ के फॉर्मूलाज में रिवाइज करा देता हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूलाज याद दिला रहा हूँ कि कौन से होते हैं। सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, फर्स्ट अपन क्यूब का देखते हैं, नहीं स्क्वायर, तो आज अपन ये फॉर्मूलास कर लेते हैं। स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस कि सारी चीजें, सारे फेसेस, सारे सरफेसेस को मैं ऐड करूंगा सबका एरिया, तो कितना एरिया आ रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन को कितना सरफेस दिख रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उसका एरिया क्या है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो स्क्वायर का टोटल अच्छा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो होगा ही नहीं कुछ, एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये सब तो पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं लग रही है। सीधा अपन 3D पे आते हैं। सो क्यूब पे, क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a square, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, देयर आर 6 फेसेस, तो एरिया विल बी 6 into a square, एवरी साइड विल हैव द एरिया a square, 6 साइड्स मींस 6a square इज द टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस ओनली द लेटरल पार्ट, उसका अपन एरिया निकाल रहे हैं, ओनली द वॉल्स, Only the sides, not the top and the bottom. Only the sides. उसका अगर अपन area निकालते हैं, so that will be equal to 4a square. Volume of a cube is equal to what? A cube. Then cuboid. Cuboid का total surface area हो जाएगा एरिया ऑफ एवरी साइड, उसको एड करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 into LB + LH + BH, दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया। लेटरल सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 into LH + BH, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into H into L + B, H कॉमन ले लिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L into B into H, दिस इज द वॉल्यूम। L into B विल बी द एरिया ऑफ द बॉटम सर्फेस इनटू हाइट, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देन सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेटरल सरफेस एरिया वी कॉल इट कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि द सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πRH। किसी को इसका डेरिवेशन पता है क्या, कैसे होगा इसका डेरिवेशन, किसी को आइडिया है? अच्छा ये बता दूं कि किया था या नहीं किया था, क्या ये पढ़ाया था तुमको किसी ने 2πRH कहां से आया, बस ये बता सकते हो क्या मुझे? याद नहीं है सर। क्या क्या दी सर? कराया था पर याद नहीं है। कराया था, अच्छा तो चलो कराया था तो अच्छी बात है, पता नहीं वरना इसको भी छोड़ सकते हैं लोग टीचर्स। सिंपल सा है, ये सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, दिख रहा है, ये मैंने सिलेंडर बना दिया, ठीक है, इट इज अ हॉलो सिलेंडर, तो उससे अपन को मतलब नहीं है। ये सिलेंडर है, ठीक है, अगर मैंने इसको काट दिया यहां से, इफ आई कट इट लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड और इसको ओपन किया, तो ये ओपन होने पे क्या बन रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट। यस, तो रेक्टेंगुलर शीट है,
इसको मैंने कर्व करके बंद कर दिया तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. सो सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉटम. 2 पाई आर विल बी दिस कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट द बॉटम. इसको मैंने ओपन किया अगर तो ये लेंथ बन गया. ये लेंथ बन गया सिलेंडर रेक्टेंगल का. करेक्ट? यस और नो? अरे यस और नो? यस सर. हाँ, तो 2 पाई आर विच इज द पेरीमीटर और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर. इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन आई ओपन इट. And height of the cylinder is equal to the breadth of the rectangle. So area of the rectangle is length into breadth. So in a cylinder, it will be equal to 2 pi r into h, curve surface area. Because this is length and this is breadth when I open the cylinder. So yahan se apne paas curve surface area aata hai 2 pi r h. Theek hai? Total surface area will be what? Curve surface area plus the area of the top plus the area of the bottom, which is equal to pi r square plus pi r square. So this is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r common le liya. So then it is equal to 2 pi r into h plus r. This is the total surface area of the cylinder. Volume of the cylinder is equal to volume of the cylinder is base ka area into the height. Base ka area into height. So base ka area is pi r square into height. This is the volume. Pi r square h. Cylinder ke liye ye volume ho gaya. Now iske baad apan ne karte hain apan ninth mein sphere. Sphere के लिए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इन द केस ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि पूरा ही सरफेस कर्व्ड ही है. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं है अपने बस की बात नहीं है. इट इन्वॉल्व्स कैलकुलस. तो वी टेक दिस directly, we do not derive it. Then volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Correct. 4 by 3 pi r cube. This is the volume of a sphere. Then cone. इस chapter में अपना frustum of cone भी है 10th में, which we will learn. 9th में सिर्फ cone cover होता है. Cone का curve surface area is equal to what? नहीं ध्यान है. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. तो ये ऐसा कोन बनता है. दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, मीनिंग द एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस इज एट 90 डिग्री टू द रेडियस एट द बॉटम. दिस इज एट 90 डिग्री. ये वाला दिस इज हाइट ऑफ द कोन, दिस इज रेडियस ऑफ द कोन. And this is the slant height of the cone, which we take as small l. Then curved surface area, which is this जो भी curved part है cone का, that is the curved surface area. This is equal to pi r l. Total surface area will be equal to curved surface area plus area of the bottom, which is equal to pi r square. So this is equal to pi r into r plus l. Volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. And one more important here is L is equal to, one more important result is L is equal to root of r square plus h square.
क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, सो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है. हाँ एक मैंने मिस कर दिया, विच इज हेमिस्फीयर. स्फीयर के बाद बताना चाहिए था हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ अ स्फीयर, सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया प्लस द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर ऐसा होता है लाइक अ बोल. इफ दिस इज रेडियस आर, देन ये तो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट हो गया जो भी कर्व्ड है, और ऊपर का एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ अ स्फीयर, सो वॉल्यूम इज 2 बाय 3 पाई आर क्यूब. These are all the formulas, ठीक है? ये revise करके रखना है. Next class में अपन combination of solids देखेंगे. I want you to try exercise 11.1 also. नहीं 13.2 तक ट्राई करके रखनी है, बिकॉज इट इज सिंपल कॉमन सेंस कि अपन क्या करेंगे. लेट्स सी कि तुम लोग कितने क्वेश्चंस कर पाते हो. सो 13.2 तक क्वेश्चंस ट्राई करके रखने हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास. ओके सर. सही समझ में आ गया? यस सर. हाँ तो काम कंप्लीट करके रखो. कंस्ट्रक्शंस अपना अगर कोई डाउट होते हैं तो यू कैन आस्क. ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं पूछोगे, यू कैन आस्क मी द डाउट्स, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है, पर पहले अपन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.